नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संध्या ज्ञान चैनल पर पौधों की जानकारी की श्रृंखला में आज इस वीडियो में दिख रहे पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे का वनस्पतिक नाम साइनेथिलियम सिनेरियम है। अंग्रेजी में इसे लिटिल आयरन बीट तथा बर्नोनिया सिनेरिया कहते हैं। संस्कृत में, हिंदी में और मराठी में इस पौधे को सहदेवी कहते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में यह अलग अलग नाम से जानी जाती है। यह एक एस्टरेसिया परिवार का फूल वाला पौधा है। यह पौधा 2 से 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। गर्मियों के दिनों में इसमें आकर्षक पर्पल फूल खिलते हैं। यह पौधा एक फेंग सुई पौधा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह घर में रखने से घर की हवा को शुद्ध करके तथा सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। यह सौभाग्य लाने के साथ साथ यह आध्यात्मिक तथा ज्योतिषीय महत्व भी है। यह एक जड़ी बूटी वाला पौधा है, जिसके अंदर सुखदायक गुण भी है, इसीलिए इसे सहदेवी पौधा कहा जाता है। इसकी पत्तियां त्वचा की बीमारियां जैसे दांत खाद खुजली में इनका प्रयोग किया जाता है। पत्तियों तथा तनों का लेप बनाकर घाव सूजन आदि पर लगाने से लाभ मिलता है। यह पौधा मूत्र संबंधी समस्याओं के उपचार में भी उपयोगी मानी गई है। इस चमत्कारी जड़ी बूटी से गुदे की पथरियों को भी तोड़ा जा सकता है। इस पौधे में एंटी फंगल एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के साथ साथ पाचन क्रिया तथा दस्त के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अनिद्रा के उपचार में इसके जड़ को माथे पर या खोपड़ी पर बांधा या चिपकाया जाता है, जो तनाव कम करके नींद में सुधार लाने में मदद करती है। यह मनुष्य के प्रजनन क्षमता को विकसित करती है। इस जड़ी बूटी के उपयोग से शुक्राणु एवं वीर्य की गुणवत्ता और विकसित हो सकती है। इसके अलावा यह पेट के कीड़ों के उपचार में भी प्रयोग में लाई जाती है। अतः आप लोग भी इस बहुत पवित्र सहदेवी के पौधे को अपने घर में स्थान देकर घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं तथा आसपास के ऊर्जा को सहजता से ऊपर उठाएं। यदि यह जानकारी आप सभी को ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करिए। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जानकारी वाली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।